मुंशियारी तहसील के दराती गांव में सड़क किनारे लगा कूड़ादान बीती रात्रि अज्ञात चोर उड़ा ले गए। बीते वर्ष ग्राम प्रधान लवराज आर्य ने ग्रामीणों की सुविधा के लिए कूड़ेदान लगवाया था। कूड़ेदान चुरा लिए जाने से अब लोग सड़कों के किनारे कूड़ा फेंकने को मजबूर हो गए हैं। ग्राम प्रधान ने कूड़ादान चुराने वालों का पता लगाए जाने की मांग की। पिथौरागढ़ दाड़ेमखोला बीसा कॉलोनी के लोग पेयजल के लिए परेशान हैं। उन्होंने डीएम से पानी मुहैया कराने की गुहार लगाई। कॉलोनी के इंदर सिंह ने बताया कि पानी की लाइन बिछे 7 महीने हो गए हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा। हमारे यहाँ पानी की लाइन लगे हुए 7 महीने हो गए, अभी तक पानी की बूंद नहीं आ रही है, इसलिए हम जो है डीएम साहब को मिलने आए। बताया कि करीब 35 परिवारों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने 21 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा विभाग परिसर में गेट मीटिंग का आयोजन किया। फेडरेशन के जिला अध्यक्ष मोहनलाल वर्मा, संरक्षक एमसी जोशी, जिला महामंत्री विजेंद्र लुंटी, राजेंद्र सिंह राणा, ज्योति कुमार पांडे, विक्रम रौतेला, आरएस खनका ने सभा को संबोधित करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने सहित 21 सूत्री मांगे उठाई। संगठन नियमित रूप से विभागों में गेट मीटिंग का आयोजन करेगा। इस अवसर पर नवीन पाठक, विक्रम नेगी, मनमोहन सिंह, हरीश राम, कमलेश राणा, मुकेश उपाध्याय, प्रेम पोखरिया, किरण भट्ट, पुष्पा तिवारी, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे। त्योहारों के सीजन टिप टॉप मोबाइल्स आपको दे रहा है भारी डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर्स। पाए हर ब्रांडेड मोबाइल के साथ निश्चित उपहार और आईफोन पर विशेष छूट, JBL, बोट स्पीकर्स और ईयरबड्स के साथ और भी बहुत कुछ। स्मार्टफोन से लेके आईफोन, स्मार्ट वॉच से स्मार्ट टीवी तक 0% में फाइनेंस और EMI की सुविधा उपलब्ध। 1 लाख से ऊपर के फोन घर ले जाए मात्र 7 रुपए में, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। टिप टॉप मोबाइल्स, मोबाइल मार्केट, गांधी चौक, एक्सटेंशन काउंटर, सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। नैनीताल के ओखलकांडा ब्लॉक के छिड़ाकांड रीटा साहिब मोटर मार्ग में शुक्रवार की सुबह एक टैक्सी वाहन के खाई में गिरने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने रेस्क्यू अभियान पूरा कर लिया है। SSP नैनीताल प्रहलाद मीणा ने बताया कि ये लोग पीपल पानी में शामिल होने जा रहे थे। हादसे में डालनकनिया गांव की धनी देवी, तरुण पनेरू, तुलसी प्रसाद, रमा देवी, देवी दत्त, नरेश पनेरू, शिवराज सिंह, नवीन सिंह, राजेंद्र सिंह की मौत हो चुकी है। हादसे में हेमचंद्र पनेरू और योगेश पनेरू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी ले जाया गया है। घटना के बाद स्थानीय विधायक ने DM को फोन कर घटनास्थल पर ही पोस्टमार्टम करने को कहा। दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क की बदहाली पर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े पत्रकारों में सूचना विभाग की लचर कार्य प्रणाली से रोष है। पत्रकारों ने पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयवर्धन उप्रेती और संरक्षक प्रेम पुनेठा के नेतृत्व में DM को ज्ञापन सौंप कहा है कि उन्हें विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री को भी दी गई, लेकिन मामले का संज्ञान नहीं लिया गया। पत्रकारों को समय पर सूचना नहीं मिल पा रही है, इसके चलते पत्रकारों ने 20 नवंबर को सूचना विभाग में तालाबंदी करने का निर्णय लिया। चेतावनी दी है कि इसके बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर कई पत्रकार मौजूद रहे। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में पहली बार स्टार होटल जैसी सुविधाएं। यहाँ आप शादी, पार्टी, रिसेप्शन या किसी भी प्रकार का फंक्शन कर सकते हैं। शहर में आने वालों के लिए 20 से भी ज्यादा लग्जरी रूम्स उपलब्ध। यहाँ आपको रूम सर्विस के साथ हाउसकीपिंग तथा लॉन्ड्री सर्विस भी दी जाती है। कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए 80 से 100 लोगों के बैठने की सुविधा वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, साथ ही होटल में रहने वालों के लिए एक मिनी जिम भी उपलब्ध। होटल के बाहर गार्डन में बैठने तथा बच्चों के खेलने के लिए ट्रैम्पोलिन और मिकी माउस जैसी सुविधा। शादी समारोह में 80 से 100 गाड़ियों की पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध। होटल एक सुविधा अनेक। आज ही बुकिंग हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें। होटल श्रेष्ठ, नियर SSB गेट, टनकपुर रोड, पिथौरागढ़। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।